पहले उमर अली खान को टिकट हुआ था भेंट से, जब काजी भी जीवा था, काजी भी इस समाजवादी में था, इमरान भी समाजवादी में था, इन्हें वो मुसलमान भाई था उमर अली खान, वो हजम नहीं हुआ था इन्हें। उसके बाद में फिर फजलुर रहमान था, फजलुर रहमान आ गए, इनकी इनकी दुकान हो गई बंद, फिर फजलुर रहमान से बैर हो गई इन्हें। अब अपनी भाभी को टिकट दे दिया, अब यही इन्हें ही टिकट चाहिए सारे नीचे से ऊपर तक के, और कोई जिला साढ़ मुसलमान नहीं है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सहारनपुर में हैं, और नूर हसन मलिक के लिए उन्होंने अभी एक रोड शो किया है, और अंदर जिया गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ पर ये सभी लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन लोगों के मन में क्या है, क्या ये केवल अखिलेश यादव को देखने के लिए आए हैं या 4 मई को वोट भी साइकिल पर करने का काम करेंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस मलिक, चेयरमैन है। आप तो मैंने सांसद साहब के साथ देखा आपको, तो जी मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं व्यक्तिगत संबंध हूँ, मैं सांसद जी के साथ भी जुड़ा हूँ, और आसू मलिक साहब के जुड़ा हूँ, रविंद्र मौलवी जी के जुड़ा हूँ, साहिल खान के जुड़ा हूँ, और अखिलेश यादव जी प्रत्याशी जो नूर मलिक है ना, और 4 मई को उनके एक एक वोट साइकिल पर पड़ रहा है। अजी कैसी बात आप कर रहे हो, तो बता रहे कि मेरे साथ तो जो है दलित और मुस्लिम का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आपने भी देखा कितने भी दलित वोट मिले, 8,000 मिले, कहाँ गया दलित वोट बताओ मुझे आप, दलित वोट कहाँ गए, 8,000 मिले बताओ। अभी मुसलमानों की बात कर रहे, 1,36,000 विधानसभा मिला संजय गर्ग जी को, और 65,000 वोट उन्हें मिला आसू मलिक जी को, तो कितना हुआ, 2,00,000 तो ही होगा, और रामपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, 25,000 वहाँ से मिला, तो 2,25,00,000 तो हम पार हो रहे, कहाँ से दलित मुस्लिम बना रहे हैं? जो और 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन जी, वो नहीं बना पाई दलित मुस्लिम समीकरण, ये क्या बना होगा? 10 बार का हरा नेता फर्जी का क्या बना पाएगा दलित मुस्लिम? वो तो सवाल आपसे ये है कि इमरान मसूद का ये कहना है कि देखिए हमारे पास कितना वोट है, आसू मलिक को सोचना पड़ गया, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ सहारनपुर में बुलाना पड़ गया। अजी अजी इनके अंदर दम था तभी तो बुला पाए, उनकी तो बहन जी ट्वीट भी नहीं करती। अब एक सांसद की वो सदस्यता जारी, बहन जी चुप है, अब वो बीजेपी से मिली हुई तो तभी तो चुप है, वो आ नहीं रही अपने वोटर उनके लिए, जितने प्रत्याशी खड़े एक भी अपील नहीं की बहन जी ने अब तक, बताओ वो बीजेपी से मिली हुई है, वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, और अखिलेश जी बीजेपी का खुल के विरोध कर रहे हैं। 1,00,000 से बता रहे गए हम तो चुनाव जीत रहे इमरान मसूद जी। अरे कहीं नहीं जीत रहे भाई साहब, सब फर्जी की आदत है, आप देख भी रहे होंगे सब टोटल फर्जी है, आप इस जनता को देख के एहसास कर सकते हो कितने जीत रहे हैं कितने नहीं जीत रहे हैं। आप बताओ भैया आपके मन में क्या है, नूर हसन मलिक को आप वोट कर रहे हैं या कोई और आपके मन में? हम तो साइकिल को वोट करेंगे, अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है उनको वोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं और अपने मेयर के लिए खुद आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि कयादत बचानी है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव बहुत मून मेहनत करते आए हैं, अखिलेश यादव और मेहनत करते रहेंगे, और आगे हम सभी समाजवादी पार्टी के हैं, और आगे हम भी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये हम तो बार बार कयादत की बात करते हैं, तो कुछ इधर ही आ गया। अरे कयादत कहाँ है, कहाँ है, कहाँ रखी गया? एक मिनट, कयादत उसको बोलते हैं जो कौम की खिदमत करता है। क्या किया उन्होंने आज तक? आसू मलिक ने 700 गरीब लड़कों की शादी करवाई, किसी की बिरादरी नहीं देखी, किसी की जात नहीं देखी, किसी की देखी, आप सबको कयादत ने इन्होंने क्या करवा के दिखा दिया, इन्हें 4 के करवा के दिखा दो। आसू मलिक जी तो यहाँ बिरादरीवाद फैला रहे, अगर हम चुनाव लड़े तो तेली, तुम लड़े तो मुसलमान, ये कौन सी राजनीति भाई? यहाँ सब खड़े, सब सर्व का समाज मिल रहा, सबका मिल रहा, सबका टोटल मिल रहा, अब तो उनके अब देख लो, अब उन्हें देख लो, अब बिरादरी बात करे वो पिछड़ों का खा रहे। विपिन भाई एक बात समझ में नहीं आई आज तक किसी के भी, अब क्या समझ गए? जब वो चुनाव लड़े तो हम सब मुसलमान, और जब ये लड़े यो तेली यो कुरेसी यो गुज्जर यो गाढ़ा, भाई बात सो, हम तो सर्व समाज ने लेके साथ चल रहे। एक चीज और, एक चीज और है, गंगो में इन्होंने हमारे खिलाफ भी राजनीति करी, नाहिद कोठी के बाहर बैठ गया था, आगे पता क्या कहा था, जितनी उम्र थारे नेता की इतने मुकदमे मेरे ऊपर, नहीं दसे, नहीं दसे। और जिस समाज से इमरान मसूद आवे, हमने कभी उनके खिलाफ नहीं बोले, समाजी कोई बात नहीं करी, लेकिन कारण क्या उसका, यकीन ये नहीं है, अब एक पार्टी बच गई उस पर से, 13 तारीख की शाम को ज्वाइनिंग करेगा भाजपा, सबको बता, 4 मई इन्होंने कुछ नहीं करा कौम का, कुछ नहीं करा, ढोंग बचा बस यही है, बस इनके बस का और कुछ नहीं है, ये कौम के लिए कुछ नहीं करते, झूठे करते, फिर इन पर ये 9 बार हार गए, 10 भी हार रहे, ये
और वो क्या नाम लेके ये 10 बिहार में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के आदमी है इनके 60 सो नहीं पा रहे, 6-4 बजे लाइव आ रहे, 6-6 बजे इमोशनल हो रहे, रो रहे, मगर मस्त क्या सुबह आ रहे भाई, क्या आयो रोना, कौन नहीं दिखती का वैसे नहीं दिखती का देख लो भाई, चुनाव के बाद भी दिखा आज तुम जनता के बीच में रहते हैं, विधानसभा में इतना काम किया, पूरी देहात विधानसभा में सबसे ज्यादा काम किया था आसू मलिक ने, इसलिए किसी ने काम किया, सपने में भी आसू मलिक ही जीत रहा के, और इन्होंने पिछड़ों का हक मार लिया, इनके पास इमरान प्रमुख नहीं था, प्रमुख मेहमान मुखिया नहीं था, रागी मंजूम नहीं था, इन्होंने पिछड़ों का हक मार लिया, बताओ क्या करो, हाथी पे बैठ जाएंगे तो आम आदमी को कैसे देखेंगे, हाथी पे बैठ कर आम आदमी को किकर देखेंगे भाई, साइकिल पर चलेगा आम इंसान का भी तो ध्यान, ये अपने नाबालिग बच्चों को मंत्री बनवा लिया, ये अपने घर से ही लड़ रहे चुनाव, इनके पास सब थे ना, जिला पंचायत का चुनाव ही नहीं लड़ना, विधायक का ही नहीं लड़ना, लोकसभा का ही नहीं लड़ना, पीडीसी का ही नहीं लड़ना, भाई सभासद का ही नहीं लड़ना, यहाँ जनता घड़ी इनका हक मार के बैठ गया है, आप एक बात बताइए यहाँ पर जो है समीकरण किस तरीके के हैं, समीकरण ये है, समीकरण सब कुछ साफ है, अभी अभी 2000 मुस्लिम सब साथ, सब साथ है, सर्व समाज साथ है, अभी देख लो हमारे साथ भान विराज मनोज चौधरी भी है, मांगे राव कश्यप भी है, सभी हैं, सभी हैं, और हमारे हमारी गिनती 2 लाख से हो रही स्टार्ट, 1,36,000 नगर निगम से मिला, आपका क्या नाम है भैया, हमें बहुत दिक्कत थी सरकार में बहुत ज्यादा, अब अखिलेश यादव आएंगे काम सेट होगा, और किसान है हम, हमारी कोई सहायता नहीं हुई सरकार में, समझ गए, बता भाई, नहीं छात्र परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, क्या कर दिया सरकार ने, कुछ भी नहीं करा, किसने करा, छात्रों का साथ दे रहे, सॉरी गरीबों को पैसे दे रहे हैं, ये इन्होंने रिक्शे दिए गरीबों को अपनी सरकार में, क्या कर दिया भाजपा ने, कुछ करा किसी ने, अखिलेश यादव क्या नाम है भैया आपका, मेरा नाम चौधरी वासी भयूबी, अच्छा ये बताओ वोट भी है आपका या नहीं, नहीं वोट तो है लेकिन सपोर्ट फुल है, नूर मलिक को ही बाल, तो फिलहाल नूर मलिक को आगे जिसे अखिलेश भैया खड़ा करेंगे उसे फुल सपोर्ट है जी, गाढ़ा बिरादरी थे वो, अच्छा। और खुला समर्थन है नूर भाई को, खुला समर्थन है नूर मलिक को जी, ये तो कह रहे कि समीकरण हमारे पक्ष में है, देखो बात सुनो, आसू मलिक भाई है, आसू मलिक जी यहाँ पे मेहमान बन गए थे, हमने उनका पूरा सम्मान करा, इब नूर भाई है, नूर भाई का भी सम्मान होगा, फुल सम्मान होगा, जीत के जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो तो इन्हें भारी बता रहे, भारी बताओ भारी है, बोगलाट में कुछ भी बोल सका आदमी, जब बोगलाट होगी तो कुछ भी बोल ले, आईडी के मार मार के बता रहे सारी बात, हाँ भैया क्या नाम है आपका, मोहम्मद साहिद, अच्छा सही जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, माहौल इमरान ने खराब कर रखा, आसू मलिक जीत रहे, बात सुनो पहले उमर अली खान को टिकट हुआ था बेट से, जब काजी भी जीवे था, काजी भी इस समाजवादी में था, इमरान भी समाजवादी में था, इन्हें वो मुसलमान भाई था उमर अली खान, वो हजम नहीं हुआ था इन्हें, उसके बाद में फिर फजलुर रहमान था, फजलुर रहमान आ गए, इनकी इनकी दुकान हो गई बंद, फिर फजलुर रहमान से बैर हो गई इन्हें, अब अपनी भाभी को टिकट दे दिया, अब यही इन्हें टिकट चाहिए सारे नीचे से ऊपर तक के, और कोई जिला साढ़ मुसलमान नहीं है क्या, ये बताओ और किसी भी बिरादरी से, कोई पठान आ जाए, कुरैसी आ जाए, कुगाट आ जाए, कोई भाई कोई बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ अपने आप का अपने घर परिवार का चलाना इन्हें, और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अपने सारे टिकट चाहिए इन्हें। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की चल रही है, उसके बाहर ये जो भीड़ जमा है किस तरीके से बेबाक अपनी राय दे रही है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ, नमस्कार।